तो गाइज हमारा चैप्टर नंबर 26 चल रहा था, ये क्लास 9 आईसीएसई का हमारा चैप्टर नंबर 6 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो इसमें हमने एक्सरसाइज 26 ए कंप्लीट की थी, 26 बी कर रहे थे। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। और इसके जो अदर लेक्चर्स हैं उसका लिंक आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उनको भी आप देख सकते हैं। तो हम अपनी वीडियोज़ में ईच एंड एवरी सॉल्यूशन कराते हैं, हमारी वीडियोज़ में आपको ईच एंड एवरी सॉल्यूशन मिलेगा, तो हमारी कोई भी वीडियो देखना। तो इसमें भी वैसे हमने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है, लेकिन इसमें यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो इसमें जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। इसमें देखो हमने ये 3 को मल्टीप्लाई किया था, तो 3 को हमने अंदर यहाँ पर सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया था, y से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पर ये 3y होगा, 3y होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 यहाँ पर ये 3y, ओके, ये 4 इधर आकर माइनस, ये बिल्कुल सेम रहेगी वैल्यू, बस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, तो अब आप क्या करो, इस 9 को इधर लेके आ जाओ, 2 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि 2 को अगर इधर लेके आओगे या फिर इसको ऐसे रहने देते हो, माइनस 9 प्लस 2x डिवाइड बाई 3 ऐसे रहने देते हो अगर इसको, तब क्या आएगी वैल्यूज, तब आपको अगर x की वैल्यू 0 लेट करोगे, अब हमारा बॉक्स कैसा बनेगा, एक्स की वैल्यू 0 लेते हो तो ये पूरा 0, ये माइनस 9/3 हो जाएगा, माइनस 3 से 9 होगा। फिर आप ऐसी वैल्यूज लेट करो एक्स के लिए जिससे वाई की वैल्यू इंटीजर में मिले हमें, तो अगर हम 1 लेट कर लेते तो 7 आएगा, नहीं होगा, 2 लेट कर लेते तो 4, 5 आएगा, 3 लेट कर लेते तो 6, तो 3 लेट कर लेते हैं अगर हम एक्स के प्लेस पर 3, तो एक्स के प्लेस पर 3 लेट करोगे तो 3 × 2 = 6, माइनस 9 प्लस 6 माइनस 3, माइनस 3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा माइनस 1। अब आपको y की वैल्यू अगर 0 चाहिए, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगर हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, इधर क्या कर देंगे इसको, अगर हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर देखो, अगर हम y की वैल्यू अगर हमें 0 बतानी है तो x की वैल्यू क्या लें, उसे निकालने के लिए हमने ऐसा 0 रखा, ये 0 हो गया, माइनस 9 प्लस 2x, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 9 को उधर लेके आएंगे प्लस 9, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स जरूर चाहिए होते हैं जब हम एरिया फाइंड कर रहे होते हैं। तो x की वैल्यू अगर आप 9/2 रख देते हो तब इसकी वैल्यू y की वैल्यू 0 आएगी, अगर आप यहाँ 9/2 रखोगे तो y की वैल्यू 0। अब इन पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर पे जो हमने किया था, तो ये जो हमारा पहले जो किया था हमने कहाँ पर किया था, ये ऐसे किया था पर, लेकिन ये रॉन्ग है हमारा, इसको करेक्ट करेंगे। जैसे आपको 0, -3 करना है, 0, -3 हमारा यहाँ आने वाला है, 0, -3, ओके, फिर आने वाला है 3, -1, फिर आप इसे लो, इस पॉइंट को लो, ये पॉइंट हमारा कितना होगा, ये 4.5 होगा, 9/2 का मीन्स 4.5, तो 4.5, 0, तो यही आएगा हमारा 4.5, 0, ये तो हमारा करेक्ट है। बस अब इसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे हम। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये हमारा इस बार ट्रायंगल ये है हमारा, ओके, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और लाइन से बाउंड होने वाला एरिया ये है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो ये एरिया हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा हमारे लिए, देखो इसको बेस, इसको हाइट अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इसका आंसर ये फाइंड किया था हमने पहले, लेकिन ये नहीं होगा इसका, इसका सॉल्यूशन होगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल, हाफ, बेस क्या होगा इसमें, तो बेस आप किसी को भी बेस किसी को भी हाइट ले सकते हो, तो अगर आप इसको बेस ऐड कर रहे हो 4.5 है, 4.5 के 9/2 कुछ भी बोल सकते हैं इसको, और ये हमारा कितना है 3 है। अब माइनस में 3 नहीं लेंगे क्योंकि एरिया में आपको हमेशा एरिया प्लस होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 × 3 = 27 डिवाइड बाय 4, डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 4 × 6 = 24, फिर 3 कैरी आएगा, 4 × 7 = 3 कैरी होगा तो वो 30 हो जाएगा, इस टाइप से कुछ, ओके, डिवाइड तो आप कर सकते हो, 4 × 6 = 24, यहाँ 3, फिर पॉइंट लेंगे 0, 4 × 7 = 28, ओके, फिर ये 2, फिर 0, 4 × 5 = 20, तो 6.75 स्क्वायर यूनिट, ओके, ये हो जाएगा हमारा 6.75 स्क्वायर यूनिट। तो ये था सिंपल हमारा। अब इसमें हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर ईच पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो ड्रॉ द ग्राफ देन स्टेट वेदर द लाइंस ड्रोन आर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर आपको बताना है कि लाइन पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है एक दूसरे का लाइंस ड्रॉ करने के बाद। तो देखो आपको अगर लाइंस देखनी है ना कि वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, उसका वैसे हम इसमें नहीं पढ़ते, आगे हम 10th क्लास में पढ़ते हैं इसके लिए हम, कि लाइंस को हम परपेंडिकुलर
या फिर क्या करते हैं पैरेलल कैसे बताते हैं। लेकिन देखो इसमें आप ये कॉन्सेप्ट देख सकते हो क्या कि लाइन पैरेलल कब होगी, हम देखते ही लाइन को बता सकते हैं कि वो पैरेलल होगी या फिर परपेंडिकुलर होगी। कैसे बता सकते हैं इसके लिए आपको क्लास टेंथ की वीडियो देखनी पड़ेगी अगर आपको जानना है। ओके अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये है देखो कि अगर हम इक्वेशन को क्या कर लेते हैं वाइजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑलरेडी है हमारी वाइजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि वाई को अकेला किया, ये एम एक्स प्लस सी, अगर ये एम ये एक्स तो है ही हमारा और ये सी की वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से अगर हमसे कंपेयर करें एम की वैल्यू अगर 3 है यहाँ पर भी एम की वैल्यू 3 है, अगर सेम एम की वैल्यू आ रही है, ये एम स्लोप होता है आगे पढ़ेंगे हम इसमें, तो अगर ये सेम होता है ना तो लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल होंगी, और अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है तो लाइन परपेंडिकुलर है। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं इस वाली लाइन का, देखो y इक्वल्स टू mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट है, x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट -1 है और दोनों का प्रोडक्ट करोगे -1 आ रहा है, इसका लाइन मीन्स ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो आप लाइन को देख कर भी बता सकते हैं, बिना रिप्रेजेंट के ही बता सकते हो कि लाइन पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होगी। देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये लाइन पैरेलल आई है हमारी, कैसे देखेंगे कि अगर हम क्या कर लेते हैं इसके लिए एक बॉक्स बनाते हैं एक्स और वाई, तो यहाँ पर क्या होगा अगर आप एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू आएगी -1, फिर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 -1 5, और यहाँ पर अगर हम क्या रखेंगे वैल्यू और कोई वैल्यू रखते हैं जिससे हमें वाई की वैल्यू 0 मिले, तो वाई की वैल्यू 0 मिले तो यहाँ पर अगर हम 0 यहाँ रखेंगे तो 1/3 पुट करना पड़ेगा, तो मत रखो ये पॉइंट सफिशिएंट है। ओके फिर अगर हम इसके लिए बनाएं एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 0 रखें वाई की वैल्यू 2 1 रखेंगे तो क्या होगा 3 और 2 5, 2 रखेंगे 2 3 6 और 2 3 6 और 2 8, ठीक है ये है हमारा, ये हमारे ड्रॉ हो गए। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम क्या करेंगे इसमें लाइन्स ड्रॉ करते हैं तो क्या मिलता है हमें, लाइन पैरेलल मिलेंगी हमें। कैसे देखो आप कैसे इसमें हम ड्रॉ करते हैं इसको, 0, -1 0, -1 कहाँ होगा हमारा, 0, -1 ये पॉइंट होगा हमारा 0, -1। ओके दूसरा पॉइंट है 1, 2 एक्स की वैल्यू 1 और 1, 2 ये होगा हमारा पॉइंट 1, 2, फिर 2, 5 यहाँ होगा हमारा पॉइंट 2, 5। इस लाइन को ड्रॉ करेंगे हम तो कुछ इस टाइप से बनेगी हमारी, ठीक है, इस टाइप से बनेगी लाइन हमारी। फिर ये वाली लाइन है 0, 2 फिर 1, 1, 5 और 2, 8, 0, 2 कहाँ होगा हमारा 0, 2 ये होगा पॉइंट हमारा 0, 2, फिर हमारे पास 1, 5 कहाँ है हमारे पास, तो 0, 0, 2 है, 0, 2 यहाँ से उठना होगा, ये तो वाई एक्सिस पर होगा हमारा 0, 2 तो यहाँ पर होगा हमारा पॉइंट, तो ये पॉइंट होगा हमारा 0, 2 एक्स एक्सिस पर, तो वाई की वैल्यू 0 होती है तो एक्स की वैल्यू 0 कैसा रहेगी, ये नहीं है पॉइंट, तो 0, 2 पॉइंट ये है, फिर है 1, 5 ये है हमारा पॉइंट। ओके 1, 5 और फिर क्या है, फिर है 2, 8 और 2, 8 हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो लाइन कुछ किस तरीके से बनेगी हमारी, ये वाली लाइन देखो पर पैरेलल है लाइन, ये 0, 2 और ये पॉइंट, और इसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो लाइन पैरेलल बन रही है हमारी, कैसी बन रही है लाइन पैरेलल बन रही है। ओके तो ये लाइन पैरेलल है हमारी सिंपल, तो ये हो गया हमारा। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट करेंगे इसमें, जैसे मैंने बताया था ये लाइन परपेंडिकुलर आएगी, देखेंगे कैसे परपेंडिकुलर आएगी, तो इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ पर, सेकेंड वाला पार्ट है इसका, ये इसका सेकेंड पार्ट है कि y इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास x-3 है एंड y इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास -x+5 लाइन है, ये लाइन परपेंडिकुलर आने वाली है, देखेंगे कैसे। x की वैल्यू 0 रखो y की वैल्यू -3 मिलेगी, और 1 रखोगे तो मिलेगी -2, 2 रखोगे तो मिलेगी -1, सफिशियंट है, 3 वैल्यू सफिशियंट होती हैं x और y, x की वैल्यू 0 रखोगे ये 5, 0 वाली वैल्यू आपको जरूर रख के देखनी है, फिर 1 रखेंगे अगर हम x के प्लेस पर तो -1 +5 तो ये कितना आएगा
प्लस फोर, टू रखेंगे तो माइनस टू प्लस थ्री प्लस फाइव ये आएगा थ्री, ओके टू कॉमा थ्री, तो टू अपॉन थ्री हो जाएगा सिंपल। ये हो गया हमारा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करके देखेंगे ग्राफ पेपर पर। तो ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पर तो किस तरीके से ड्रॉ का, देखो जीरो कॉमा, जीरो कॉमा माइनस थ्री, तो जीरो कॉमा माइनस थ्री यहाँ पर आएगा पॉइंट, ये रहा हमारा जीरो कॉमा माइनस थ्री, ओके। फिर है वन कॉमा माइनस टू, वन कॉमा माइनस टू, वन कॉमा माइनस टू, ये रहा पॉइंट हमारा वन कॉमा माइनस टू, टू कॉमा माइनस वन, टू कॉमा माइनस वन, ये रहा पॉइंट हमारा। लाइन बनने वाली है वो हमारी ये वाली लाइन बनने वाली है इस टाइप से, ओके। तो ये लाइन बनने वाली है हमारी, ये बन गई लाइन। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो ये वाली लाइन है हमारी, हाईलाइट करेंगे हम, वाई इजिकल्स टू क्या है ये एक्स माइनस थ्री लाइन है, ओके वाई इजिकल्स टू एक्स माइनस थ्री लाइन है। फिर हम क्या करेंगे इसमें, वाई इजिकल्स टू माइनस एक्स प्लस फाइव लाइन बनाएंगे। इस लाइन को बनाने के लिए जीरो कॉमा फाइव लेना आपको, एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू फाइव, तो जीरो कॉमा फाइव, जीरो कॉमा फाइव यहाँ होगा हमारा पॉइंट, ये होगा जीरो कॉमा फाइव क्योंकि वाई की वैल्यू फाइव है। फिर है वन कॉमा फोर, तो वन कॉमा फोर पॉइंट कहाँ होगा, वन कॉमा फोर ही होगा हमारा पॉइंट, वन कॉमा फोर। फिर टू कोमा थ्री का होगा, ये हो रहा नीरा हमारा टू कोमा थ्री। और अगर मैं इस लाइन को बनाता हूँ इस पर इस टाइप से, ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा, ओके। तो ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा ये लाइन, ठीक है, और ये लाइन क्या लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन से। ये हो गया हमारा सिंपल। फिर आगे करेंगे इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपली परपेंडिकुलर लाइंस हो गई हैं हमारी। अब हम क्या करेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देखो ये लाइन हमारी क्या आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है। नेक्स्ट पार्ट भी है इसी टाइप से, लेकिन इसने वाई की फॉर्म में नहीं गिवन किया है इसको, इसको गिवन किया टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स। देखो इस फॉर्म में गिवन किया है टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स। अगर मैं इसे वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये माइनस टू एक्स और ये प्लस सिक्स, थ्री इधर आएगा तो माइनस टू एक्स प्लस सिक्स और डिवाइड बाय माइनस थ्री, इस टाइप से हो जाएगा। अगर मैं इसे सेपरेट डिवाइड करता हूँ तो माइनस टू डिवाइड बाय माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस सिक्स डिवाइड बाय माइनस थ्री, तो कुछ इक्वेशन इस टाइप की दिखेगी आपको, टू अपॉन थ्री एक्स और यह माइनस का सिक्स अपॉन थ्री मतलब टू। सेम एज इट इज सेकेंड इक्वेशन है इसकी जो आपको मिलेगी क्या, एक्स अपॉन टू प्लस वाई अपॉन थ्री इक्वल्स टू वन, ठीक है, ये एक्स अपॉन टू प्लस वाई अपॉन थ्री इक्वल्स टू वन। इसको करेंगे अगर हम कितना आएगा, टू और थ्री का एलसीएम सिक्स, यहाँ पर हो जाएगा थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू वन, सिक्स की तरह मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू कितना, सिक्स वन जो सिक्स। फिर करेंगे इसको हम क्या, यहाँ पर इसको वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सिक्स माइनस थ्री एक्स, ओके वाई से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा सिक्स माइनस थ्री एक्स डिवाइड बाय टू। इसे भी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में अगर हम सेपरेट डिवाइड करते हैं तो सिक्स डिवाइड बाय टू और माइनस थ्री डिवाइड बाय टू, ये हो जाएगा वाई इक्वल टू क्या होगा हमारा, टू थ्री जस सिक्स और ये माइनस थ्री बाय टू इंटू में एक्स। इस वाली वैल्यू को अगर हम आगे रखते हैं तो माइनस थ्री बाय टू एक्स और प्लस थ्री, इस टाइप से। अब देखो इनके स्लोप देखो, ये है टू अपॉन थ्री और ये है थ्री अपॉन टू माइनस का। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस वन आएगा, देखो टू अपॉन थ्री और माइनस का थ्री अपॉन टू, ये तो है हमारे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस वन, इसका मीन्स लाइन्स क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन आता है तो लाइन परपेंडिकुलर है, दोनों का स्लोप इक्वल आता है तो ये पैरेलल लाइन्स। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो अब इसके लिए देखो हम ग्राफ से भी देखेंगे कि लाइन परपेंडिकुलर होंगी या नहीं। यहाँ पर एक्स वाई, फिर एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो लेते हैं ये पूरा जीरो, वाई की वैल्यू माइनस टू आएगी। फिर एक्स की वैल्यू ऐसी लेने की, ये वैल्यू हमारी इंटीजर मिले तो थ्री ले लो आप, एक्स वैल्यू थ्री लेंगे, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, टू माइनस टू जीरो हो जाएगा। ये तो बेस्ट पॉइंट है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हमारे एक्सिस पॉइंट सबसे बेस्ट होते हैं, तो यही है आपका। आप और भी पॉइंट ले सकते हो, जैसे यहाँ पर सिक्स ले लो, सिक्स लोगे तो थ्री टू जो सिक्स,
और टू टू ज़ा फोर माइनस टू, अगर यहाँ पर एक्स प्लेस हमने सिक्स लिया है तो थ्री सिक्स को टू टाइम्स में कैंसिल करेगा, टू टू ज़ा फोर माइनस टू कितना आएगा, टू आएगा। ओके फिर यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो लेते हैं तो ज़ीरो और यहाँ पर आ जाएगा थ्री। एक्स की वैल्यू और अदर लो आप, जैसे टू ले लिया आपने, एक्स की वैल्यू टू ली अगर आपने तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो। ओके फिर आप और कोई ले लो पॉइंट, क्या लेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर लेंगे हम जीरो कॉमा जीरो थ्री, टू कॉमा जीरो यहाँ पर ले सकते हैं हम और कोई पॉइंट, जैसे आप यहाँ पर क्या ले लो फोर ले लो तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा कुछ इस टाइप से। देखो कैलकुलेशन तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर अगर हम क्या ले लेते हैं फोर ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, माइनस का सिक्स प्लस थ्री, तो वाई की वैल्यू कितनी, वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस थ्री। ओके वाई की वैल्यू माइनस थ्री हो जाएगी, सिंपल वाई की वैल्यू माइनस थ्री हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, वाई की वैल्यू माइनस थ्री, तो अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, इन पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर और देखेंगे लाइन परपेंडिकुलर आ रही है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर तो परपेंडिकुलर देख लिया कि परपेंडिकुलर आने वाली है लाइन, ग्राफ पर भी इसको देख लेते हैं। तो ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं इसको, तो इसको अब ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर, देखो ग्राफ पेपर पर, तो ग्राफ पेपर ड्रॉ करेंगे जीरो कोमा माइनस टू, तो जीरो कोमा माइनस टू ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, जीरो कोमा माइनस टू। ओके फिर क्या लेना है आपको, थ्री कोमा जीरो, थ्री कोमा जीरो कहाँ हो जाएगा हमारा, ये जीरो कोमा माइनस टू होगा, गलत है, जीरो कोमा माइनस टू होगा हमारा यहाँ पर, जीरो कोमा माइनस टू होगा हमारा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू माइनस टू, ये वाई की वैल्यू माइनस टू यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो एक्स की वैल्यू माइनस टू है। ओके तो थ्री कोमा जीरो कहाँ होगा, अब ये होगा एक्स एक्सिस पर हमारा, थ्री कोमा जीरो के एक्स एक्सिस पर थ्री गए और फिर जीरो, क्योंकि पहले हम एक्स पर चलते हैं ना, जैसे इसने कहा था जीरो कोमा माइनस टू है तो एक्स पर हम जीरो पर कहाँ हैं, यहाँ पर एक्स भी जीरो है वाई भी जीरो है। ओके लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई की वैल्यू पर जाना माइनस टू, तो वाई की वैल्यू माइनस टू, इसलिए जीरो को माइनस टू ये पॉइंट हो गया। अब इस पर जो और जो अदर पॉइंट्स हमने लेट किए वो भी इसी पर लाई करेंगे, अगर हम इन दोनों लाइन मतलब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसमें, देखो इस तरीके से अगर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसमें, ठीक है ये लाइन ड्रॉ की हमने, अब हम क्या करेंगे इसमें, ये जो सिक्स देखो सिक्स कोमा टू पॉइंट है ना, इसी पर लाई कर रहा होगा, सिक्स कोमा टू पॉइंट ये रहा, इसी पर लाई कर रहा है। सेकंड लाइन बनाएंगे हम ये जीरो कोमा थ्री, एक्स पर जीरो जाना और वाई पर थ्री जाना, तो ये री पॉइंट हमारा, ये पॉइंट हमारा जीरो कोमा थ्री, ये थ्री कोमा जीरो है, जीरो कोमा थ्री है। टू कोमा जीरो तो एक्स पर टू जाना है और वाई पर जीरो लो, तो ये जो पॉइंट है ना हमारा, यही हमारा क्या है टू कोमा जीरो, क्योंकि एक्स पर टू जाना वाई पर जीरो पर है, हम एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू जीरो होती है। अभी फोर कोमा माइनस थ्री ऑलरेडी इसी पर लाई करेगा, देखो कैसे आप ज्वाइन कर लो इसे, और लाइन परपेंडिकुलर से, ठीक है लाइन परपेंडिकुलर, आप इनको प्रोजेक्टर के हेल्प से मेजर भी कर सकते हो, परपेंडिकुलर लाइन्स आ रही है हमारी। ओके तो ये है हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा इस टाइप से आप कर सकते हो। देखो जो पॉइंट है हमारा फोर कोमा माइनस थ्री, इसी पर लाई कर रहा होगा, फोर कोमा माइनस थ्री ये रहा पॉइंट हमारा, फोर कोमा माइनस थ्री इसी पर लाई करेगा। तो सिंपली इस टाइप से हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइन। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तो यहाँ पर हम इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर एंड एक्स अपॉन फोर प्लस वाई अपॉन थ्री इक्वल्स टू वन, ये है हमारे पास। सॉल्व करेंगे इसको, ये फोर वाई इक्वल्स टू कितना, ट्वेंटी फोर माइनस थ्री एक्स, और वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ट्वेंटी फोर माइनस थ्री एक्स डिवाइड बाय फोर, ये हो जाएगा। तो सिंपली अगर हम इसको वाई इक्वल्स टू एम एक्स की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, सेपरेट डिवाइड कर रहे हैं, ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई फोर और माइनस थ्री एक्स डिवाइड बाई फोर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इससे हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, पर हमें यहाँ पर इसको ग्राफ पर भी शो करके दिखाना है। तो अगर हम एक्स वैल्यू पहले लेते हैं तो थ्री अपॉन फोर माइनस का और ये प्लस का सिक्स, ठीक है इनको आगे पीछे किया है, कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू को जंप नहीं किया इन्होंने। तो यहाँ पर अब हम इसको करेंगे, अगर इसको भी अगर हम वाई अपॉन थ्री को दरी रहने देते हैं और एक्स एक्स प्लस प्लस का एक्स अपॉन फोर है, माइनस का एक्स अपॉन फोर कर देते हैं, थ्री से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ओके, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 3, और ये अंदर आकर 3x/4। ये भी वैल्यू देखो वही आ रही है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी हमारी सेम आ रही है, एक्स के साथ जो कोफिशियंट है -3/4, यहाँ पर भी एक्स का कोफिशियंट -3/4। इसका मीन्स स्लोप सेम है, देन हमारी क्या होगी, लाइन्स पैरेलल होंगी। इनको ड्रॉ करके भी देखेंगे हम ग्राफ पर किस तरीके से लाइन पैरेलल आएंगे हमारी। एक्स की वैल्यू 0। इनका एक और मेथड है वैसे तो फाइंड करने का कि आप लाइन पैरेलल्स कर सकते हो नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेशियो फाइंड करते हैं एक्स वन का, ठीक है, a1 a2 = b1 b2, और ये नॉट इक्वल हो जाए c1 c2, तो लाइन पैरेलल हो जाती है। ये CBSE में है 10th क्लास में। तो यहाँ पर इससे बेस्ट तो हमारा यही है कि हम इसमें डायरेक्ट स्लोप से पता कर लेते हैं। अब देखो एक्स की वैल्यू 0 ले रहे हो तो वाई की वैल्यू 6, फिर यहाँ पर एक्स की वैल्यू 4 ले रहे हो, 4 से 4 कैंसिल, -3 + 6 + 3। और कोई पॉइंट ले लो आप, जैसे आप यहाँ पर क्या ले लो, 8 ले लो, एक्स की वैल्यू 8 लोगे तो 4 2 8 6 - 6 0। ये आ गया हमारा एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू क्या 0 ले रहे हो आप, तो वाई की वैल्यू 3 मिल रही है। फिर एक्स की वैल्यू अगर आप 4 ले रहे हो, क्यों ले रहे हो मैं ऐसी वैल्यू, जिससे कि कैंसिल हो जाए और वैल्यू हमें मिल जाए, 4 से 4 कैंसिल, -3 + 3 0। ये तो सबसे बेस्ट पॉइंट मिल गए 0 0 वाले। एक कोई भी और अदर पॉइंट लेते हो, जैसे आप एक्स के प्लेस पर 8 लेते हो तो 4 2 8 - 6 + 6 - 3, ये पॉइंट आएगा। अब इसको देखो लाइन को देखेंगे कि लाइन पैरेलल किस टाइप से है हमारी, फिर आप ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0.6 पॉइंट हमारा कहाँ होगा, 0.6, ये रहा पॉइंट हमारा 0.6। फिर हमारे पास 4.3 एक्स पर 4 जाओ और वाई पर 3, ये हमारा 4.3। फिर एक और पॉइंट हमारा 8.0, तो 8.0 ये रहा पॉइंट हमारा 8.0। लाइन ड्रॉ कर लेंगे इससे, ये वाली लाइन बनेगी हमारी, ओके ये लाइन हो गई हमारी। अब क्या करेंगे इसमें, हम दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। 0.3 कहाँ है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, ये रहा पॉइंट हमारा। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, ये है 0.3, 0.3 ये रहा हमारा। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, 4.0, 4.0 पॉइंट ये आ गया हमारा 4.0, और जो पॉइंट है वो इसी पर लाई करेंगे लाइन पर। जैसे अगर हम इनको जॉइन कर लेते हैं, 0.3 और ये 4.0, तो लाइन देखो ये पैरेलल आ रही है, ये लाइन हमारी क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या है हमारी, पैरेलल है, बस सिंपली हमें ये दिखाना था। तो ये हो गई हमारी सिंपल पैरेलल लाइंस। ये क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, 7th क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें हम। क्वेश्चन नंबर 7 था, कह रहा है ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द ग्राफ दिस एंड दिस एंड y = 4 फ्रॉम x = -4 to 3। अब ये क्या कह रहा है कि सेम ग्राफ पेपर पर आपको क्या करना है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ, इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करना एंड y = 4 फ्रॉम x = -4 to -3, इनके बीच का आपको क्या करना है, एरिया भी शो करना है। तो देखेंगे सबसे पहले हमारे पास लाइन है क्वेश्चन नंबर 7 में, फर्स्ट वाली कह रहा है कि y = x - 2 लाइन, सिंपल लाइन है बिल्कुल। तो इसका अगर हम इसमें x और y की वैल्यूज फाइंड करते हैं तो क्या आती है हमारे, देखो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी -1, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी 0, ओके ये हो जाएगी वैल्यू। फिर y = 2x + 1 एंड y = 2x + 1 करेंगे अगर हम इसमें, तो यहाँ देखेंगे x की वैल्यू 0 लेते हैं इसमें तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, फिर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये कितनी मिलेगी हमारी 3, x की वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ पर कितनी वैल्यू मिलेगी 5, ये वैल्यू मिल जाएगी। इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, और ये कह रहा है कि y = जो 4 लाइन है ना, y = 4 है, वो फ्रॉम -4 से +3 तक लेनी है आपको, जो x = 4 लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक लेनी है, -4 से -3, x = -4 to -3 के बीच में लेनी है। किस टाइप से देखो इसको, देखते हैं किस तरीके से कहना चाह रहा है यहाँ पर। तो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये किस टाइप से कह रहा है आपसे, तो इन सभी लाइन्स को भूल जाओ जो बनी हुई है, हम जो नया बनाने वाले इसको देखो, सिर्फ 0.-2 का होगा, 0.-2 ये रहा हमारा 0.-2, फिर 1.-1 देख लो या फिर ये वाला पॉइंट देख लो, 2.0 ये रहा पॉइंट हमारा 2.0, ये वाली लाइन होगी इसमें हमारी,
ओके, ये वाली लाइन होगी हमारी कौन सी, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। फिर नेक्स्ट है इसमें क्या, y इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन, y इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन लाइन, y इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन लाइन, y इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन लाइन, ये हमारी y इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन लाइन। इसको देखेंगे अगर हम y इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन लाइन को, तो क्या आएगा इसमें हमारा, तो y इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन लाइन में हमारा क्या आएगा इसमें, कि हम इसको कैसे कर सकते हैं y इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन लाइन में, इसको देखो जीरो कोमा वन, जीरो कोमा वन कहाँ होगा हमारा, जीरो कोमा वन, ये रहा हमारा पॉइंट जीरो कोमा वन, फिर वन थ्री, वन और थ्री कहाँ पर है हमारा, वन कोमा थ्री पॉइंट, ये रहा हमारा वन कोमा थ्री पॉइंट, ये हमारा जीरो कोमा वन, ये वन कोमा थ्री, और फिर है टू कोमा फाइव, फिर है टू कोमा फाइव हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसमें हम, ये भी लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ये सभी लाइंस को माइनस फोर के बीच में कह रहा है क्या, हाँ जी, तो ये सभी लाइन को माइनस फोर से थ्री के बिटवीन ही रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है, माइनस फोर से थ्री के बिटवीन में, जैसे हमने जो भी लाइन की है सही है, इसको भी आप क्या करो माइनस थ्री से फोर के बिटवीन ही रिप्रेजेंट करो, जैसे यहाँ पर माइनस थ्री ये है, तो इसको बस यहाँ तक बनाओ, इसको हम सिर्फ यहाँ तक बनाएंगे, ठीक है, इसे आगे नहीं ले जाएंगे, यहाँ तक बनाएंगे सिर्फ, इसे यहाँ तक नहीं बनाएंगे, इसको सिर्फ यहाँ तक बनाएंगे, ओके, और फिर यहाँ पर रोक देंगे इसको, इस तरीके से पॉइंट लगाएंगे, इसमें एरो नहीं लगाएंगे, और x इक्वल्स टू फोर तक, तो इसको सिर्फ यहाँ तक लेके आना आपको x इक्वल्स टू फोर तक, इस टाइप से ये हमारा यहाँ पर ख़त्म कर देना, ऐसे इस लाइन को जो हमने ड्रॉ की है, x इक्वल्स टू माइनस थ्री से y इक्वल्स टू फोर तक आपको ड्रॉ करनी है, तो फोर तक ये यहाँ पर आ रही है हमारी समथिंग, यहाँ आ रही है, ठीक है, तो यहाँ तक इसको ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि देखो ये y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू फोर लाइन है, ठीक है, तो इन लाइन्स के बिटवीन ही आपको ये लाइन्स ड्रॉ करनी है, तो ये वाली लाइन हमने कहाँ तक बनाई है, फोर तक बनाई है ना, ये वाली लाइन है कौन सी हमारी, ये वाली लाइन है, ये लाइन नहीं है हमारी, यही फिर ये वाली है, इसमें देखेंगे कौन सी लाइन है हमारी, जीरो कोमा है माइनस टू, जीरो कोमा माइनस टू कहाँ था हमारा, जीरो कोमा माइनस टू ये रहा था हमारा, एंड और क्या था हमारा, टू कोमा जीरो था ना, हाँ, टू कोमा जीरो, जीरो कोमा टू से लाइन होने वाली ये है हमारी, ठीक है, तो ये वाली लाइन थी हमारी, इसको हमने ड्रॉ किया ये वाली लाइन जो हमारी, और ये यहाँ पर माइनस फोर में यहाँ रुक रही है हमारी, ठीक है, तो यहाँ तक आएगी ये, इनके बिटवीन आपको ये बनानी थी, ओके, ये लाइन हो गई हमारी, एक ये वाली हो गई, ठीक है, एक ये वाली हो गई, फोर तक बनानी है, पर y इक्वल्स टू फोर लाइन भी बनानी है आपको, क्या बनाना है, y इक्वल्स टू फोर लाइन भी लेनी है, वो भी माइनस फोर से प्लस थ्री के बीच में, तो y इक्वल्स टू फोर लाइन यहाँ बनेगी, लेकिन माइनस थ्री से फोर के बिटवीन ही बनानी है आपको, तो इस टाइप से बनेगी, ठीक है, तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गया फिर इस टाइप से, ये है हमारा, ओके, तो सिंपल ये हो गया हमारा, ये y इक्वल्स टू फोर हो गई, फ्रॉम माइनस थ्री से प्लस फोर, माइनस थ्री से बनानी है हमें, माइनस फोर से प्लस थ्री बनानी है हमें, चलो इसको दोबारा से ग्राफ पर देखते हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड बन गया हमारा, दूसरा ग्राफ बनाते हैं इसके लिए एक नया, तो इस न्यू ग्राफ पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमें जीरो कोमा माइनस टू करना है, तो जीरो कोमा माइनस टू का होगा एक्स जीरो वाई पर माइनस टू, ये था हमारा पॉइंट जीरो कोमा माइनस टू, फिर था हमारे पास देखो ये ले लो या फिर ये वाला कोऑर्डिनेट्स वाला एक्सिस वाला पॉइंट ले लो टू कोमा जीरो, तो टू कोमा जीरो ये रहा हमारा पॉइंट, इसको हमने ड्रॉ किया था, लेकिन आपको ड्रॉ क्या करना है माइनस फोर से करना है, माइनस थ्री से कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्या से करना है माइनस फोर से प्लस थ्री के लिए, माइनस फोर से प्लस थ्री मतलब इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बिटवीन आपको क्या करना है, इनको रिप्रेजेंट करना है माइनस थ्री से प्लस फोर, ओके, तो देखेंगे इसको माइनस थ्री से प्लस फोर के बिटवीन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये लाइन ड्रॉ करनी है आपको सिर्फ माइनस फोर से प्लस थ्री के बिटवीन, ये हमारी, इसको यहाँ रोक देना है और आगे चलेंगे, इसको सिर्फ थ्री पर रोक देना है आपको, ओके, ये हमारा, तो ये बनाना था हमें, क्योंकि आपको लाइंस किसके बिटवीन बनानी है, इन लाइंस के बिटवीन बनानी है, इनको हाईलाइट कर देते हैं हम इस टाइप से, ठीक है,
इन लाइन्स के बिटवीन बनानी है। तो ये लाइन होगी हमारी फर्स्ट वाली, जो हमारी क्या है वाई इजिकल्स टू एक्स माइनस टू लाइन है। वाई इजिकल्स टू एक्स माइनस टू लाइन है, फिर सेकंड लाइन क्या है हमारी, ये है हमारी सेकंड लाइन। क्या आपको लेना क्या है, जीरो कोमा वन लेना है। बताओ जीरो कोमा वन कहाँ होगा, एक्स पर जीरो वाई पर वन, तो ये होगा हमारा जीरो कोमा वन। फिर क्या लेना है आपको, फिर लेना वन थ्री टू फाइव, तो वन थ्री ये रहा हमारा और टू फाइव ये रहा हमारा। लेकिन लेना आपको माइनस फोर से प्लस थ्री के बिटवीन है इसको भी, तो माइनस फोर से प्लस थ्री के बिटवीन देखेंगे अगर हम, तो लाइन कुछ किस तरीके से बनेगी हमारी। ठीक है, ये हो गई हमारी, ये वाई लाइन हो गई क्या, वाई इजिकल्स टू टू एक्स प्लस वन। ओके, वाई इजिकल्स टू टू एक्स प्लस वन। अब क्या करेंगे इसमें हम, एक वाई इजिकल्स टू फोर लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये वाई इजिकल्स टू फोर बनाएंगे हम। तो ये लाइन है हमारी इनके बिटवीन, बस इसी पर लाई करनी चाहिए हमारी। तो ये हो गई हमारी वाई इजिकल्स टू फोर। ओके, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 8th क्वेश्चन में कुछ इसी टाइप का, इसमें टू लाइंस गिवन किए हैं, थ्री लाइंस गिवन किए हैं, और इनको आपको माइनस टू एक्स इक्वल्स टू माइनस टू से एक्स इक्वल्स टू फोर के बिटवीन क्या करना है, प्लॉट करके दिखाना है सिंपली। तो बस इसको भी अगर हम सोल्व कर लेते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 8th में सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास क्या, वाई इज इक्वल्स टू क्या टू एक्स माइनस वन, एंड फिर क्या है वाई इज इक्वल्स टू टू एक्स, एंड फिर क्या है हमारे पास वाई इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन, ये है हमारे पास। करेंगे इनको सोल्व हम, कैसे बनेंगे लाइन्स हमारी, एक्स की वैल्यू जीरो करते हैं तो वाई की वैल्यू माइनस वन मिलती है, फिर हम वन करते हैं एक्स की वैल्यू वन करते हैं तो टू माइनस वन वन मिलती है, फिर हम टू करते हैं एक्स के ऊपर टू करते हैं तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा टू टू से फोर माइनस वन थ्री। तो बस यही पॉइंट सफिशियंट है, ये तो ओरिजिन से पास होगी लाइन क्योंकि इसमें सी की वैल्यू नहीं है, जिसमें सी की वैल्यू नहीं होती वो ओरिजिन से पास होती है, बताया था मैंने आपको जब इसका हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था इसको स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट वाला पार्ट देखना इसका, वो समझ में आ जाएगा आपको। एक्स की वैल्यू जीरो लेंगे तो वाई की वैल्यू जीरो, वन लेंगे तो वन, टू लेंगे तो टू, माइनस वन लेंगे तो माइनस वन, और माइनस टू लेंगे तो माइनस टू। इसमें हम क्या प्लस और माइनस दोनों वाली दोनों वैल्यूज लेट करते हैं, वैसे आप इन पॉइंट से भी बना सकते हो इसे। अब एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू जीरो लेंगे ये पूरा जीरो, वाई की वैल्यू वन, वन लेंगे तो थ्री और टू लेंगे तो फाइव। बस ये पॉइंट्स हैं, इनको रिप्रेजेंट करना है आपको सिंपली। थ्री लाइंस की गिवन किया है इसने, यस थ्री लाइंस की गिवन किया, और लेकिन एक्स इक्वल्स टू माइनस टू से कहाँ तक रिप्रेजेंट करना है, माइनस टू टू फोर रिप्रेजेंट करना है, एक्स इक्वल्स टू माइनस माइनस टू टू प्लस फोर। ओके, तो रिप्रेजेंट करते हैं इसको ग्राफ पेपर पर देखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे इसमें, तो लाइंस को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये लाइन है हमारे पास जीरो कोमा माइनस वन, तो जीरो कोमा माइनस वन कहाँ होगा हमारा, एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू माइनस वन। एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू क्या होती है हमारी यहाँ पर, वाई की वैल्यू क्या है हमारी माइनस वन है, तो माइनस वन यहाँ पर आएगा, ये सभी माइनस के पॉइंट्स होंगे हमारे। ओके, तो जीरो कोमा माइनस वन ये पॉइंट आ गया हमारा, जीरो कोमा माइनस वन। फिर हमारे पास क्या वन कोमा वन या फिर टू कोमा थ्री, तो वन कोमा वन यहाँ पर आएगा हमारा और टू कोमा थ्री कुछ यहाँ लाइन करेगा। ओके, तो ये लाइन है, लेकिन आपको कहाँ से कहाँ तक करनी है, माइनस टू से फोर के बिटवीन इसको रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ माइनस टू से प्लस फोर के बिटवीन ही इसको शो करके दिखाना है आपको, इससे आगे नहीं जाएंगे हम। ये फोर वाला है आपका पॉइंट, जो भी आप लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं वो इनके अंदर रहेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हमें माइनस टू से इसको कहाँ तक करना है, फोर तक रिप्रेजेंट करना है। तो ये लाइन हमने एक की ड्रॉ, ओके ये हो गया हमारी लाइन। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट लाइन हो गई हमारी ये कौन सी, वाई इजिकल्स टू टू एक्स, ये हमारी वाई इजिकल्स टू
टू एक्स माइनस वन लाइन, फिर है वाई इजिकल्स टू टू एक्स लाइन। तो ये तो हमारी क्या है, ओरिजिन से पास हो रही है, जीरो जीरो वन वन टू टू वन वन टू टू, ठीक है, ऐसे माइनस वन वन और माइनस टू टू, तो ये आएगा हमारा, बस इसमें ही रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये है y इजिकल्स टू टू एक्स लाइन। फिर हमारे पास क्या है, y इजिकल्स टू टू एक्स प्लस वन लाइन। तो y इजिकल्स टू टू एक्स प्लस वन लाइन को अगर हम देखेंगे तो क्या होगी हमारी, जीरो कोमा वन। जीरो कोमा वन कहाँ है हमारा, जीरो कोमा वन ये है हमारा जीरो कोमा वन पॉइंट। फिर है वन पर थ्री और टू पर, वन पर थ्री और टू पर फाइव, ये पॉइंट है हमारे वन थ्री और टू फाइव। ओके, इनको भी रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो कुछ इस टाइप से लाइन बनेगी हमारी। लेकिन आपको फोर से माइनस टू के बिटवीन रखनी है, इससे इसका ध्यान रखना है। ठीक है, ये लाइन है हमारी। तो ये हमारी y इजिकल्स टू टू एक्स प्लस वन लाइन। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन। तो इस टाइप से इसको हमें करना था यहाँ पर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर एट था हमारा। इसमें आपसे और पूछा है कि क्या कि लाइन, क्या ये लाइन पैरेलल भी है, कि आर द ग्राफ्स ड्रोन पैरेलल टू ईच अदर, क्या ये पैरेलल्स है हमारी। तो ये वाली पैरेलल आ रही है, लेकिन ये वाली नॉट पैरेलल आ रही है। ठीक है, किस किस का पैरेलल पूछा था, कि सभी को पैरेलल पूछा था। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द ग्राफ y इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन y इज इक्वल्स टू टू एक्स। ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने, कैसे y इज इक्वल्स टू टू एक्स बनाने में, कैसे कि देखो यहाँ पर टू एक्स है, एक्स नहीं है, वन रखोगे तो वन नहीं मिलेगा, वन रखोगे तो टू मिलेगा, जीरो पर जीरो मिलेगा, वन पर टू मिलेगा, टू पर फोर मिलेगा, ऐसे माइनस वन पर माइनस टू मिलेगा और माइनस टू पर माइनस फोर मिलेगा। अगर इसको करेक्ट करें हम तो क्या होगा यहाँ पर हमारा, आपको जीरो कोमा वन और यहाँ पर क्या लेना है, वन कोमा टू लेना है, वन कोमा टू और टू कोमा क्या लेना है, फोर लेना है। ये वाली लाइन है, जैसे माइनस वन कोमा माइनस टू और माइनस टू कोमा माइनस फोर, ये पॉइंट्स हमारे। इसका मीन्स ये लाइन पैरेलल भी है हमारी सभी लाइंस, क्योंकि ये लाइन इनके बिटवीन आ रही है बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ कर रहे हैं, स्केल क्या हो रहा है ये। ओके, तो ये था हमारा। तो ऐसा जब होता है, यहाँ पर ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इसका मीन्स ये तीनों लाइन हमारी पैरेलल है, y इजिकल्स टू टू एक्स, ये y इजिकल्स टू एक्स, y इजिकल्स टू एक्स प्लस वन, y इजिकल्स टू टू एक्स माइनस वन, ये सभी लाइन पैरेलल है, ये लाइन नहीं है। ठीक है, ये लाइन नहीं है हमारी। तो अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर नाइन में कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ दिस मीट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट क्यू, यूज द ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी एंड क्यू। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने बाय ग्राफिकल मेथड। आप इस पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो, कैसे, अगर ये एक्स एक्सिस को पी पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस में वाई की वैल्यू जीरो, इसमें वाई की वैल्यू जीरो रख दो, एक्स की वैल्यू टू आ रही है सिंपल, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा टू कोमा जीरो। यहाँ पर क्यू पर कट कर रही है वाई एक्सिस पर, तो क्यू पर वाई एक्सिस पर क्या होता है, एक्स की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो रख लो, वाई की वैल्यू टू, तो जीरो कोमा थ्री, टू से डिवाइड करेंगे। और कैसे देखो, तो ये चीज़ें आपको पता है क्या, कि अगर हमारे पास एक लाइन है थ्री एक्स प्लस टू वाई इजिकल्स टू सिक्स लाइन है, आपको इसको बताना है कि कहाँ कट करेगी, एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर। देखो, अगर ये एक्स एक्सिस पर कट कर रही होगी तो इसमें वाई की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी, जीरो, और अगर ये वाई पर कट कर रही होगी तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, वाई की वैल्यू एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस वाले पॉइंट को फाइंड कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू अगर हम जीरो रख देते हैं, वाई की वैल्यू अगर हम जीरो रख देते हैं, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी हमें थी, ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्स, एक्स की वैल्यू हो जाएगी थ्री, टू जै सिक्स, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स की वैल्यू टू और ये जीरो, तो टू कोमा जीरो। फिर यहाँ पर वाई की एक्स की वैल्यू रखेंगे अगर जीरो, अगर हम एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, टू वाई इक्वल्स टू सिक्स,
और वाई की वैल्यू मिलेगी हमें 3। ओके, वाई की वैल्यू 3 मिलेगी हमें, इधर तो हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा सिंपल 0.3। ये पॉइंट होगा वाई इक्वल टू 3, 0.3 हो गया हमारा पॉइंट। तो यही हमारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट होंगे, मीन्स ये वाली वैल्यू हमारी क्या होगी पी की, और ये वाली वैल्यू होगी क्यू की, क्योंकि क्यू वाई पर कट कर रहा है, ये होगा हमारा 0, y की वैल्यू 3। लो जी, हमने बिना ग्राफिकल मेथड से फाइंड करें, लेकिन ग्राफिकल मेथड से कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे ये 2y = 6 - 3x, वाई इक्वल्स टू कितना हो रहा है 6 - 3x/2। फिर इसके लिए एक बॉक्स प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3, 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 3 6 6 - 6 तो कितनी आ रही है 0, यही कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आ गए हमारे। ओके, फिर और कोई पॉइंट्स रखेंगे, जैसे 3 रखेंगे तो 9 - 6 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। जैसे अगर हम 3 रखते हैं, 3 - 9 6 - 9 - 3 - 3 / 2 आएगा -1.5। देखो इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पर, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या आएंगे सिंपली, तो देखो अगर हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है 0.3, कहाँ होगा 0.3, तो 0.3 हमारा होगा सिंपल कहाँ पर 0.3, ये पॉइंट होगा हमारा 0.3। फिर हमारे पास क्या पॉइंट 2.0 हमारे पास क्या होगा, ये पॉइंट 2.0, ये कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स भी हमारे, तो सिंपली ओके, तो ये तो इसमें डायरेक्ट हमें मिल गए हैं कोऑर्डिनेट्स पॉइंट। ये लाइंस अगर हम ड्रॉ करते हैं इस टाइप से कुछ, तो ये आपको सेपरेटली ड्रॉ करनी है, जैसे मैं एक में ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको एक में नहीं करने, सभी क्वेश्चन के लिए सेपरेट इंडिविजुअल ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, जितने भी क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं उन सभी के लिए इंडिविजुअल ग्राफ करना है आपको, एक ही ग्राफ पर सारी चीज़ें नहीं दिखानी जैसे हम दिखा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा, तो ये लाइन है, और यहाँ पर ये पी पॉइंट हो गया, और यहाँ क्यू पॉइंट हो गया, पी और क्यू पॉइंट की वैल्यूज क्या हो गई हमारी, तो पी पॉइंट की वैल्यूज तो हमारी ये आ रही है, हमारी एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है हमारा, और क्यू वैल्यू ये आ रही है हमारी 0.3। ओके, तो ये था, इसमें हमें ये करना था हमें, ठीक है, सिंपली हमारी पी की वैल्यू क्या 2.0 एंड क्यू की वैल्यू क्या है 0.3, सॉरी क्योंकि वाई एक्सिस पर कट कर दिए ना, ये है हमारा सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट करेंगे इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस फ्रॉम द ग्राफ x1, फाइंड x1 द वैल्यू ऑफ x, x1 की वैल्यू फाइंड करो, जो x की वैल्यू जब y3 है, तो y3 पर x की वैल्यू, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इसमें इक्वेशन में रख दो वैल्यू हो जाएगी। कैसे, देखो कि x + 2y - 3 = 0, ये कह रहा है कि x1 की वैल्यू फाइंड करो, जो x है हमारी, जो x की वैल्यू बता रहा है हमें, जब हमारा क्या y = 3 है, इसका मतलब अगर आप y = 3 पुट करते हो इस इक्वेशन में, जो x की वैल्यू मिलती है वही x1 है, y की वैल्यू 3 पुट करते हो क्या आएगा x + 6 - 3 = 0, तो x कितना हो जाएगा +3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। तो ये -3 ही किसकी वैल्यू है, x1 की वैल्यू है, ये कह रहा है ना, x1 इज द वैल्यू ऑफ x when y = 3, ठीक है, तो ये इस तरीके से। फिर कह रहा है x2 the value of x when y = -2, तो y = -2 पुट कर लो यहाँ पर, y = -2 इसमें पुट करेंगे तो x + 2y की जगह -2 - 3 = 0, तो x - 2 - 4 और -3 = 0, ये कितना हो जाएगा हमारा x - 7 = 0, और x = 7, और यही वाली वैल्यू हमारी x2 की वैल्यू। इसको लेकिन ग्राफ से आपको फाइंड करना है, तो ग्राफ से देखो, गलती ना हो आपसे, मिस्टेक ना हो, इसलिए आप इसको ऐसे चेक कर लेना कि वैल्यू क्या आने वाली है। ग्राफ से कैसे करना है, देखो x + 2y पहले आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, सिंपली ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो x को इधर छोड़ देते हैं, इसमें कितना हो जाएगा -2x + 3, इसके लिए बॉक्स बनाते हैं, ये टेबल क्या होगा हमारा, x की वैल्यू 0 कर देंगे तो y की वैल्यू 3, सॉरी यहाँ पर y है, तो y की वैल्यू 0 कर देते हैं, अगर तो y की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 3 आ रही है, y की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं, y की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो -2 + 3 कितना आएगा +1 आएगा, ऐसे तो आएगा कि y की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो कितना आएगा -2 + 3 कितना आएगा +1, ऐसी और कोई अदर वैल्यू ले लो आप, तो क्या ले सकते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ ले लेते हैं 2 ले लेते हैं y के प्लेस पर, तो y के प्लेस पर अगर 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 - 4 कितना -4 हो जाएगा, -4 और +3 आएगा -1, बस सफिशियंट है, इसी को आपको ड्रॉ कर देना है ग्राफ पर। तो ग्राफ पर देखते हैं इसको, अब
ये कह रहा 3,0, तो 3,0 पॉइंट कहाँ है हमारा, 3,0 ये पॉइंट है हमारा 3,0। ओके 1,1 पॉइंट ये रहा हमारा 1,1 पॉइंट, फिर -1,2 ये रहा -1,2 ये रहा हमारा पॉइंट -1,2। इनको ज्वाइन करेंगे अगर हम कुछ किस तरीके की लाइन बनेगी हमारी, अब इसी लाइन के हेल्प से आपको चेक करना है जिस वैल्यू को फाइंड करने के लिए कह रहा है। कह रहा है कि वाई किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, एक्स वन की वैल्यू फाइंड करनी है जब वाई थ्री है, तो वाई थ्री कहाँ है हमारा, वाई थ्री ये रहा। अब वाई थ्री पर लाइन कहाँ कट कर रही है, देखो वाई थ्री पर लाइन इस पॉइंट पर कट कर रही है, इस पॉइंट पर क्या आ रही है इसकी वैल्यू -3 आ रही है, -3,3। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, -3 आ रही है, जो हमारी भी -3 आई थी, देखो यहाँ पर एक्स वन की वैल्यू हमारी भी -3 आई थी। फिर एक्स टू की वैल्यू फाइंड करनी है जो क्या है हमारी, y = -2 पर है, तो y = -2 जाएंगे, ये रहा -2। इधर तो लाइन बनी रही, इधर जाएंगे हम कहाँ कट कर रही है, इस पॉइंट पर कर रही है, मतलब 7 पर कट कर रही है, तो इसका मतलब 7, ये एक्स की वैल्यू क्या होगी 7, वाई की वैल्यू -2 पर क्या 7 आ रही है हमारी, ये 7 आ रही है बस। तो सिंपल यही हमारी क्या हो गई, एक्स वन और एक्स टू की वैल्यूज हो गई, ये सिंपल इसमें करना था हमारा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 था ये हमारा सिंपली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में सेम इसी टाइप से एक इक्वेशन दिए, फिर ये कह रहा है कि वाई वन की वैल्यू फाइंड करो जब एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 4 है। ओके तो सिंपल अगर हम इसमें देखो, इसमें भी चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, लेकिन आपको ये वाला पार्ट करके नहीं दिखाना, आपको सिर्फ डायरेक्ट ये टेबल बनाना, उससे बताने की वैल्यू क्या आ रही है, आप इनको चेक करने रफ में चेक करने के लिए कर सकते हो। ओके तो 3x - 4y = कितना 12। तो कह रहा है y1 की वैल्यू बताओ, जो y की वैल्यू जब x = 4 है, तो x = 4 पुट कर दो आप इसमें, x = 4 पुट करोगे तो कितना आएगा, y की वैल्यू मिलेगी हमें 12 - 4y = 12, ये कितना हो जाएगा 12 इधर आकर 4y = 12 - 12, तो ये हो जाएगा -4y = कितना 0, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी सिंपली। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिंपली 0 हो जाएगी। ओके तो y की वैल्यू 0 आ रही है किस पर, x = 4 पर। नेक्स्ट है यही हमारी किसकी वैल्यू, वाई वन की वैल्यू, फिर ये वाई टू की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है जब एक्स जीरो है, तो x = 0 पुट करेंगे अगर हम, क्या आएगा x = 0 पुट करेंगे तो 3,0 - 4y = 12, तो ये 0 हो जाएगा, -4y = 12 बचेगा, -4y इधर डिवाइड में जाएगा, तो 12 - 4 और ये हो जाएगा वाई की वैल्यू कितनी -3, 4 3 = 12, वाई की वैल्यू -3 हो जाएगी सिंपली। ओके यही हमारी वाई टू की वैल्यू है, यही सिंपली अब हमें क्या करनी है, इसको ग्राफ पर इसको देखना है कि ग्राफ पर कैसे आएंगी ये वैल्यूज, हम ग्राफ से ग्राफ की हेल्प से किस टाइप से फाइंड करेंगे। तो ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले इसके लिए एक टेबल भी तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 3x = क्या कर लेते हैं, 4y को उधर लेके आते हैं, ये +12 और एक्स की वैल्यू कितनी 4y + 12/3, बताओ क्या वैल्यू प्लॉट करें हम इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स, अब वाई की वैल्यू प्लॉट कर रहे हैं हम, तो वाई की वैल्यू अगर 0 प्लॉट करोगे तो 12/3 वाई, एक्स की वैल्यू 4 आ रही है। फिर अगर आप 1 पुट करोगे तो नहीं कैंसिल होगा, फिर 2 पुट करोगे तब भी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि 8 और ये हो रहा है हमारा, 3 पुट करोगे तो 12/12 फिर कैंसिल हो रहा है हमारा, तो वाई की वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे तो 4 3 = 12 = 24, 3 8 = 24 होते हैं हमारे। फिर अदर कोई वैल्यूज माइनस में ले लो आप, माइनस में लेंगे तो फिर ये आएगा 8 में से अगर हम माइनस में लेते तो -4, फिर 8 बचेगा, 8 4 बचेगा, -3 ले सकते हैं कि अगर हम -3 लेते हैं, y के प्लेस में -3 लेते हैं तो -12 + 12 = 0, y x की वैल्यू 0। तो बस इसी के हेल्प से अगर हम इसके ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा 4,0 पॉइंट का होगा हमारा 4,0, x पर 4 जाना, y पर 0, तो 4,0। फिर क्या जाना आपको 8,3 या फिर 0,-3, ये वाला पॉइंट ले लो आप, 0,-3 जो आपका रिमेनिंग वो है हमारा पॉइंट, वो इसी पर लाइक करेगा कैसे कि अगर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से लाइन को, तो ये हमारी लाइन है, ओके। अब इस पर चेक करना है आपको, देखो 8,3 इसी पर आ रहा होगा हमारा, 8,3 आ रहा हमारा यहाँ पर आएगा पॉइंट, मतलब थोड़ी सी लाइन हमारी नीचे की तरफ बन गई है हमारी। ओके तो फिर आपको चेक करना है किस वाले पॉइंट पर, एक्स की वैल्यू 4 पर क्या आना चाहिए, वाई की वैल्यू 0 आनी चाहिए, एक्स की वैल्यू 4 पर वाई की वैल्यू 0 आ रही है सिंपल। फिर एक्स की वैल्यू 0 पर वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए -3, तो आ रही है हमारी वाई की वैल्यू -3 आ रही है सिंपल। इस टाइप से ये हमारे पॉइंट आ गए। ओके
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11th। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। इसमें भी आपको एक लाइन गिवन की है और इसमें भी आपको क्या कह रहा है, ये पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो इस ये इक्वल्स टू 1 ये हो गई हमारी लाइन। इसको भी सिंपलीफाई कर लेते हैं अगर हम, क्या हो जाएगा हमारा ये कि अगर हम इस वाले पार्ट को इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा माइनस का वाई अपॉन 5 प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे एक्स अपॉन 4 इक्वल्स टू कितना, एक्स अपॉन 4 इक्वल्स टू कितना माइनस का वाई प्लस 5 डिवाइड बाय 5, 4 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और ये है हमारा माइनस का वाई प्लस 5 और डिवाइड बाय कितना 5। तो बस ये इस टाइप से हमारी इक्वेशन हो गई है, माइनस का 4y और ये प्लस का 20 और डिवाइड बाय 5। इसमें भी ये कह रहा है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है x1 की, जब वैन हमारा क्या है y क्या है हमारा 10 है। तो बस इसमें y की वैल्यू 10 पुट करो। तो अगर हम इसमें y इज इक्वल्स टू 10 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, देखो 10 पुट करने पर x की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ 10 पुट किया है प्लस 20 डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा है, ये हो रहा है माइनस 40 प्लस 20 डिवाइड बाय 5 तो आ रहा है माइनस 20 डिवाइड बाय 5 और ये 5 4 20 तो माइनस का 4, 5 4 20 तो ये होगा माइनस का 4 सिंपली। फिर यही हमारी क्या होगी, यही हमारी एक्स वन की वैल्यू होगी जो एक्स वन इसने कहा है। फिर वाई वन फाइंड करना जब एक्स की वैल्यू 8 है, तो अगर हम एक्स की वैल्यू 8 पुट कर देते हैं तब हमें वाई वन क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू 8 अगर हम इधर पुट करते हैं तो ये हमारा क्या है माइनस 4y प्लस 20 डिवाइड बाई 5, 5 8 का कितना हो जाएगा 40, 5 8 40 इक्वल्स टू कितना होगा हमारा माइनस 4y और प्लस 20 40 माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस 4y तो कितना हो जाएगा 20 इक्वल्स टू माइनस 4y, माइनस 4 से डिवाइड कर देंगे इसे माइनस 5 आएगा ये और 5 20 तो माइनस का 5, y की वैल्यू क्या आएगी माइनस 5, वाई की वैल्यू माइनस 5 आएगी। बस अब यही हमारी क्या होगी, वाई वन की वैल्यू होगी, ये हमारी एक्स वन की वैल्यू है ठीक है। तो ये वाई वन और एक्स वन की वैल्यूज आ रही है हमारी क्या, एक्स वन की क्या आ रही है हमारी माइनस 4 और वाई वन की वैल्यू आ रही है माइनस 5। इसी को ग्राफ फिर हम कैसे करेंगे कि आप क्या कर लो, इस लाइन का क्या कर लो, एक टेबल बना लो एक्स और वाई, वाई की वैल्यू अगर हमने पुट की 0 तो एक्स की वैल्यू 5 4 20 आएगी। फिर हमने कोई दूसरी वैल्यू पुट की जिससे हम ये 5 को डिवाइड कर सकें, जैसे कि अगर हम यहाँ पर कर लेते हैं जैसे हमने अभी पुट की थी वाई की वैल्यू माइनस 5 पुट कर लो आप ठीक है, वाई की वैल्यू माइनस 5 पुट कर लो। अगर हम माइनस 5 पुट करेंगे वाई की वैल्यू तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो फिर एक्स की वैल्यू तो हमारी माइनस 5 पर तो यही वैल्यू आएगी जो भी हमने फाइंड की थी 8, लेकिन अगर हम प्लस 5 पुट करते हैं एक्स वाई के प्लेस पर प्लस 5 पुट करते हैं तो 5 4 20 माइनस 20 प्लस 20 0 0 डिवाइड बाई 5 0 तो ये एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बेस्ट पॉइंट है, इन पॉइंट से हम इसको लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे आप यहाँ पर और भी पॉइंट ले सकते हो, तो इसी के हेल्प से देखो लाइन को ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करते हैं 4, 0 पॉइंट, ये रहा हमारा 4, 0 पॉइंट, 0, 5 पॉइंट, 0, 5 पॉइंट, ये रहा हमारा 0, 5 पॉइंट। अब इसको अगर हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं कुछ इस टाइप से तो ये हमारी लाइन बन जाएगी इसमें। ओके, ये लाइन बन रही है हमारी। अब इसको अगर हम देखें, इस पर हमें क्या बताना था कि अगर आप y की वैल्यू क्या ले लेते हो, 10 लेते हो, y की वैल्यू 10 लेते हो तो y की वैल्यू 10 यहाँ पर आएगी, यहाँ आ रही होगी हमारी y की वैल्यू 10। तो इसके लिए भाई इसको हमें और इंक्रीज करना पड़ेगा, और इंक्रीज करना पड़ेगा तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा फिर हमारा ये। ठीक है, तो y की वैल्यू 10 पर हमें x की वैल्यू क्या मिल रही थी, माइनस 4 मिल रही थी, यहाँ पर भी मिलेगी हमें देखो ये माइनस 4। वाई की वैल्यू 10 पर एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है माइनस 4, तो ये पॉइंट क्या हमारा माइनस 4, 10। तो यही हमारी किसकी वैल्यू है, यही हमारी एक्स वन की वैल्यू है। फिर एक्स की वैल्यू 8 पर हमें क्या मिलेगा, देखो एक्स की वैल्यू 8 पर हमें वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, ये मिल रही है हमें वाई की वैल्यू माइनस 5 ठीक है इस टाइप से। तो ये हो गई हमारी 8, -5, तो यही हमारी क्या है हमारी एक्स वाई वन की वैल्यू है। ओके, इस टाइप से तो ये करना था हमें सिंपली। तो हम इससे सोल्व करके देख लेते तो हमें इसमें एग्जैक्ट पता चल जाता कि क्या पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। ये 3 लाइन्स है, ये कह रहा है कि यूज अ ग्राफिकल मेथड टू सो दैट द स्ट्रेट लाइन्स गिवन बाय द इक्वेशन दिस दिस एंड दिस पास थ्रू द सेम पॉइंट, ये तीनों सेम पॉइंट से पास होंगी ठीक है। तो इनको हम देखेंगे कि ये सेम पॉइंट से पास होंगी या नहीं। तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनकी टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी, फिर इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और यहाँ पर x माइनस 2y
इक्वल्स टू फाइव। वैसे हम इनको चेक करने के लिए क्या करते हैं, इन्हें कॉन्करेंट लाइन कहते हैं जो एक ही सेम पॉइंट से पास होती है हमारी। इन चेक करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को सोल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू जो आएगी उसे थर्ड पॉइंट में लाई करके दिखा दो, अगर उस पर वो सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मीन्स ये कॉन्करेंट लाइन है। लेकिन हम इसे बिना उस मैथड से करेंगे, सिर्फ ग्राफिकल मैथड से। कैसे, कि अगर हम एक्स की वैल्यू जीरो ले रहे हैं तो वाई की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, वाई की वैल्यू टू मिल रही है। वाई की वैल्यू जीरो ले तो एक्स की वैल्यू टू सफिशियंट पॉइंट है। फिर इसमें भी हम एक्स और वाई फोर पॉइंट अगर आपको लेने तो ले सकते हो। यहाँ पर भी अगर हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, वैसे तो इसे एक ही फॉर्म में करते हैं हम कन्वर्ट, या डायरेक्ट कर रहे हैं हम। एक्स की वैल्यू जीरो लेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू जीरो तो वाई की वैल्यू माइनस टू नीचे आएगा, फाइव डिवाइड बाई माइनस टू, माइनस का कितना आएगा, टू पॉइंट फाइव आएगा। फिर वाई की वैल्यू जीरो ले लेंगे तो एक्स की वैल्यू फाइव आएगी, ये सिंपल हो गया हमारा। फिर इसमें तो इसमें सी की वैल्यू नहीं है, इसका मीन्स ये इंटरसेप्ट नहीं करेगी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। ओके, तो अगर हम इसमें एक्स और वाई की वैल्यू देखें, कि अगर हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, तो अगर हम यहाँ पर क्या लेते हैं, जीरो लेंगे तो जीरो ही आएगा, लेकिन अगर हम थ्री लेते हैं, एक्स प्लस पर थ्री लेते हैं तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस वन मिलेगी। सिक्स लेते हैं तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, माइनस टू मिलेगी। अगर यहाँ सिक्स लेंगे तो माइनस का सिक्स हो जाएगा, माइनस की टू मिलेगी वाई की वैल्यू सिंपली। ओके, इनको हम लाइन को ड्रॉ करते हैं हम ग्राफ पे। देखो अगर हम सिंपल इन्हें देखें तो ये लाइन हमारी कॉन्करेंट आएंगी या नहीं, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, कि इन दोनों को आप पहले सोल्व कर लो। माइनस किया हमने इसे, ये कैंसिल हो जाएगा थ्री वाई, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का थ्री वाई की वैल्यू माइनस वन। फिर माइनस वन अगर हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस वन इधर आकर प्लस का वन, तो हो जाएगा एक्स की वैल्यू थ्री। एक्स की वैल्यू थ्री और वाई की वैल्यू माइनस वन जो आई है हमारी इन दोनों इक्वेशन, इसको अगर हम थर्ड में पुट करते हैं और इसे सेटिस्फाई कर जाए तो इसका मीन्स ये क्या हो जाएगी, हमारी कॉन्करेंट लाइंस हो जाएंगी। तो एक्स की वैल्यू थ्री डिवाइड बाई थ्री प्लस वाई की वैल्यू कितनी, माइनस वन, ये थ्री डिवाइड बाई थ्री वन, प्लस माइनस माइनस वन, ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा जीरो हमारी, ये ऐसी कॉन्करेंट लाइन्स है हमारी। ओके, अभी तो ग्राफ पर भी देखेंगे हम कि लाइन्स कॉन्करेंट आ रही है नहीं आ रही। तो हमने इनको ड्रॉ किया था, जीरो कोमा टू पॉइंट का होगा ये रहा जीरो कोमा टू पॉइंट। फिर और ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही होंगी, किस पर, एक्स इजिकल्स टू थ्री वाई इजिकल्स टू माइनस वन, एक्स इजिकल्स टू थ्री और वाई इजिकल्स टू माइनस वन, इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट होंगी। देखेंगे अभी हम कैसे, जब जीरो कोमा टू फिर टू कोमा जीरो, ये रहा हमारा पॉइंट टू कोमा जीरो। ओके, इससे लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके की लाइन बनेगी हमारी जो पास होकर जाएगी इसी पॉइंट से जो मैंने अभी पॉइंट बनाया था थ्री कोमा माइनस वन। ओके, ये हमारी एक लाइन। फिर और बनाएंगे इसमें लाइन, सेकंड वाली लाइन है ये हमारी, तो जीरो कोमा माइनस टू पॉइंट फाइव का बनेगा, तो जीरो कोमा माइनस टू पॉइंट फाइव ये बनेगा हमारा पॉइंट, जीरो कोमा माइनस टू पॉइंट फाइव। फिर फाइव कोमा जीरो का बनेगा, फाइव कोमा जीरो ये बनेगा हमारा पॉइंट फाइव कोमा जीरो, और ये पॉइंट भी हमारी इसी पॉइंट से पास होकर जानी चाहिए। ओके, जिससे ये वाली लाइन हो रही है हमारी, तो ये वाली लाइन है हमारी। ओके, अब ये वाली लाइन भी इससे पास हो रही है नहीं, देखेंगे ये तो होगी इससे लाइन पास, देखो हो रही है। ओके, देखो ये वाली लाइन भी हमारी पास हो गई इससे, ये तो पॉइंट है हमारा, इसको और डार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इससे पास हो गई दोनों लाइन हमारी, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों लाइन इससे पास हो रही है। इन दोनों को देखना है सिर्फ आपको, थर्ड वाली और देखेंगे हम। थर्ड वाली है हमारे पास क्या, जीरो जीरो थ्री कोमा माइनस वन, थ्री कोमा माइनस वन का होगा हमारा, तो थ्री कोमा माइनस वन, ये तो पॉइंट इस पर ही आ गया हमारा थ्री कोमा माइनस वन, जीरो जीरो ये रहा। ठीक है, थ्री कोमा माइनस वन ये रहा। फिर सिक्स कोमा माइनस टू बनाएंगे तो सिक्स कोमा माइनस टू ये आएगा हमारा पॉइंट, तो इस पर तो एक पॉइंट हमारा वैसे ही आ गया वाला। तो बस अगर हम इसको ड्रो करते हैं कुछ इस तरीके की लाइन बनेगी ओरिजिन से पास होते हुए। ओके, ये हो गया हमारा सिंपली, तो ये हो जाएगा हमारा ये यस। तो इसका मतलब क्या है, ये कॉन्करेंट लाइन्स है। कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्टीन में। ओके, इसमें और कुछ कहा है क्या इसने या नहीं, बस यही पूछा था इसने कि सेम पॉइंट से पास होंगे नहीं, तो यस ये सेम पॉइंट से पास होंगी, तो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए हमारे 26B। ओके, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे 20C को, फिर इसको फिनिश करेंगे। तो हमारे ऑलरेडी जो चैप्टर्स हैं क्लास नाइन पर अपलोडेड हैं, जिसमें हमने ईच एंड एवरी सॉल्यूशन कराया, आप कोई भी क्वेश्चन में तो कोई भी चैप्टर देख सकते हैं, उनकी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
ओके गाइज, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।